दोस्तों हमारे पास है बच्चों को रमने के लिए गाड़ी का ये रिमोट है, तो ये गाड़ी का रिमोट है, इसको रिपेयरिंग के बारे में बताने वाला दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ से पहले ऊपर वाला मैंने निकाल दिया, दो बटन है अप डाउन मेनू का है, इसके साथ दूसरा भी बटन हमारे पास है जो पी का मतलब है वो पार्किंग और अप डाउन का बटन है। इसमें से ये रिमोट सही तरह वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ से इसका सब जो यहाँ पे पीछे के भाग में जो लगता है दो कनेक्टर जो सेल लगते हैं सेल का जो कनेक्टर निकल गया है टूट गया है, आप देख सकते हो यहाँ से मैंने आपको शो कर रहा होगा। यहाँ पे सेल लगते हैं 1.5 वोल्ट का जो सेल लगता है तो यहाँ पे 3 वोल्ट देना पड़ता है सर्किट में। तो यहाँ से जो कार्बन होने से ये दोनों जो इसका सॉकेट वो ख़राब हो गया है, प्लस मैंने जो स्प्रिंग वाला भाग और स्प्रिंग बिना भाग ख़राब हो गया है, आप देख सकते हो अच्छी तरह से। तो इस वीडियो में इसको कैसे नया लगाते कहाँ से लगाते उसको बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले। तो आप देख सकते हो स्प्रिंग कार्बन होने से ख़राब हो गई है, यहाँ पे चल गई है क्योंकि ये वाटर डैमेज होगा ऐसा लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पे प्लस माइनस मैंने पहले से लिख दिया है, ये दोनों केबल है, प्लस सप्लाई रेड वाला है, माइनस सप्लाई ब्लैक वाला कनेक्टर है। तो यहाँ पर दोनों वायर का सिरा में निकाल दिया, अभी अभी दूसरा रिमोट हमारे पास है, इसमें से मैं वो स्प्रिंग वाला भाग प्लस मैंने जब निकाल लूँगा सॉकेट में से, आप देख सकते हो ये पुराना वाला रिमोट हमारे पास है टोशिबा कंपनी का, वो ख़राब हो गया है, इसमें से मैं निकालूंगा ये दोनों स्प्रिंग निकाल के आपको यहाँ पे इस वीडियो में हम इस सर्किट में लगाएंगे। आप देख सकते हो पुराना रिमोट का एक सर्किट है, सर्किट में से आप देख सकते हो यहाँ से पहले निकाल दिया मैंने, यहाँ पर दो कनेक्शन स्प्रिंग वाला भाग है और ये सर्किट में लगा हुआ है प्लस माइनस, यहाँ पर फ्लैट वाला और स्प्रिंग वाला, यहाँ पर सॉकेट लगा हुआ है जो पावर्स यहाँ पे डालने के लिए। तो यहाँ से मैंने इसको पहले निकाल दिया है जो यहाँ पे ख़राब हो गया था, इसको अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक निकाल देना है आपको। तो यहाँ से मैंने पूरा ये स्प्रिंग वाला भाग निकाल दिया है, इसके जगह जो पूरा रिमोट है वो यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ, देख सकते हो ये यहाँ से मैंने निकाला है रिमोट का, इसको मैं यहाँ पर लगा दूँगा। तो आप भी घर पर ऐसा रिमोट रिपेयर कर सकते हो, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन यहाँ पर जो सेल जो कार्बन हो जाने से ऐसा लिक्विड हो जाने से ये ख़राब हो जाता है। तो पुराना रिमोट में निकल के यहाँ पे मैं इसको लगा दिए हैं जो प्लस और माइनस का, यहाँ पे सेल लगा सकते हैं बैटरी और दूसरे वाला भाग है, दूसरे वाला भाग भी हम निकालेंगे जो प्लस वाला टर्मिनल है, तो दो टर्मिनल को निकालेंगे। यहाँ पर देख सकते हो ये भी ख़राब हो गए, तो दोनों को निकालना है, तो आपको ध्यानपूर्वक दोनों को निकाल देना है, जैसे यहाँ पर स्प्रिंग वाला भाग और विदाउट स्टड वाला भाग निकालना है, तो यहाँ से प्लस वाला भाग वही निकालना है। वही निकालने के लिए मैं पुराना रिमोट में से यहाँ से मैं निकाल के आपको बताऊंगा, देख सकते हैं दोनों निकाल दिया है यहाँ पे सर्किट में से, यहाँ पे इनपुट सेक्शन का कनेक्शन है वहाँ से निकाल दिया है दोनों सर्किट में से, शोल्डर से मैंने रिमूव कर दिया है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर दोनों कनेक्शन, यहाँ पर मैं यहाँ पर बिठाऊँगा इस सर्किट में सॉकेट में, तो देख सकते हो मैंने दोनों को कटिंग कर दिया है अच्छी तरह से बिठा, इसलिए दोनों को कटिंग करके मैं लगाऊँगा। तो आप ध्यानपूर्वक लगाना है इसको, प्लस कहाँ पे बैटरी का और माइनस कहाँ पे वही से देख के आपको इसको लगाना है। तो आप देख सकते हो अच्छी तरह बिठ गया है, ऐसा है केवल यहाँ से मैंने कटिंग किया, वहाँ से मैं इधर निकाल देना है आपको, और आपको अच्छी तरह से बेल्ट भी कर देना है क्योंकि ये अच्छी तरह से फिटिंग में बैठ जाए, इसलिए यहाँ से ये माइनस वाला टर्मिनल निकाल दिया है, अभी हमारे पास प्लस टर्मिनल है, इसको भी बेल्ट करके मैं कटिंग करके मैं लगाऊँगा। इसको देख सकते हो दोस्तों इसी तरह हम इसको लगाएंगे, तो आपको आसानी से ध्यानपूर्वक लगाना है। तो आप यहाँ पे ये वाला भाग जो लगा रहा हूँ मैं वो माइनस टर्मिनल अच्छी तरह से लगाना है, कटर से ज़्यादा वाला भाग मैं कट कर देता हूँ, तो आपको आसानी रहे लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है दोस्तों, मैं उम्मीद रखता हूँ हमारे वीडियो पर नए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यहाँ पे दोनों सेल मैंने लगा दिया है, देख सकते हो यहाँ पे दोनों कनेक्टर प्लस वाला माइनस लगा के मैंने बैटरी अच्छी तरह से लगा दी है। तो यहाँ पे मल्टी में पहले टेस्ट करेंगे हम इसका वोल्टेज कितना शो कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो 3.16 वोल्ट का 1.5 वोल्ट का सेल, दोनों 3 वोल्ट बता रहा है तो सही वोल्ट बता रहा है। और यहाँ पर मैं सोल्डर से ये दोनों जो PCB में प्लस माइनस है इसको अच्छी तरह से सोल्डर कर देना है। तो आप घर पे भी ये रिमोट में ये सेल वाला भाग ख़राब हो गया तो दूसरा रिमोट में काट के निकाल के भी आप अच्छी तरह से लगा सकते हो। तो आपको दोस्तों अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक लगा देना है, यहाँ पे सोल्डर कर देना है, सोल्डर करने से अच्छी तरह से सोल्डर कर फिट रखना है क्योंकि ये वापस ऐसे निकल ना जाए, वही ध्यान रखना है दोस्तों।
तो प्लस वाला टर्मिनल प्लस में लगाएंगे, माइनस वाला टर्मिनल माइनस में लगा दिए। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने वहाँ पे एलईडी इंडिकेटर हो गई, तो अच्छी तरह से सॉकेट में दो जो दोनों बैटरी का जो सॉकेट का कनेक्शन था अच्छी तरह से हो गया है, यहाँ पर अच्छी तरह से फिटिंग हो चुका है। तो वो छोटा वाला दो बैटरी का सेल लगा दिया है, यहाँ पर इंडिकेट भी हो रहा है, आप देख सकते हो। इसको अच्छी तरह मैं फिटिंग कर देता हूँ, फिटिंग करने के बाद आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा ये रिमोट हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है, क्योंकि इसमें से जो सेल का प्रॉब्लम था, सेल लगाने का जो सॉकेट टूट गया था, निकल गया था, अच्छी तरह से वर्क नहीं बीट नहीं रहा था दोनों सेल, तो अच्छी तरह से मैंने नया सॉकेट में से दोनों स्प्रिंग निकाल के लगा दिए दोस्तों, देख सकते हो अच्छी तरह से। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिकेटर भी शो कर रहा है। तो इस वीडियो में आप भी मेरे इस वीडियो में 700 लाइक की उम्मीद रखता हूँ दोस्तों, सपोर्ट करना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारा जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।